हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आज का हमारा लेसन जो है वो एशिया के बारे में है। एशिया के बारे में हमने दो लेसन पहले से बना लिए थे, आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा तीसरा लेसन एशिया के बारे में है, वो खाड़ी देशों के बारे में। जो मैप आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो खाड़ी देशों का मैप है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये लाल सागर, भूमध्य सागर, और जो मैंने यहाँ पे ये बना रखा है ये स्वेज है। इधर मैंने अफ्रीका बनाया नहीं है। समझ जाइएगा आप कि अगर लाल सागर और यहाँ पे ये है सिनोय प्रायद्वीप, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, तो ये जो पूरा मैप बना हुआ है फ्रेंड्स, वो मैप है खाड़ी देशों का। यहाँ पे यमन, ओमान, सऊदी अरब और जो इराक, ईरान, टर्की, ये सारे देश इसमें हैं। यहाँ पे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और यहाँ पे जो मध्य एशिया के देश हैं वो मैंने बनाए नहीं, क्योंकि मध्य एशिया के देशों का जो चैप्टर था वो अपना कंप्लीट हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे मध्य एशिया के देश बनाए नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे पूरे खाड़ी देशों के बारे में, कौन कौन से यहाँ पे खाड़ी देश हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, पर्वत हैं और खाड़ी देश हैं, तो मरुस्थल यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, तो कौन कौन से मरुस्थल हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैप आपने देख ही लिया है, यहाँ पे यमन है, ये ओमान है, यहाँ पे यूएई है। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए फारस की खाड़ी है और ये ओमान की खाड़ी है, ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है। इन दोनों को जो मिलाने का काम करती है वो हार्मुज जल संधि करती है। क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है हार्मुज जल संधि का। तो पुर्तगीज ने इस पे पहले कब्जा भी कर रखा था जब भारत में ना अंग्रेजों का शासन था उस टाइम पे। तो यहाँ पे जो ये आपको दिख रही है ये है हार्मुज की जल संधि। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारा जो टारगेट है सबसे ज़्यादा है कि जल संधियों पर फोकस करना, क्योंकि जल संधियों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो फारस की खाड़ी है यहाँ पे, ओमान की खाड़ी है यहाँ पे, और ये हार्मुज की जल संधि है। यहाँ पे ये अरब सागर है, अगर पाकिस्तान यहाँ पे है तो यही इंडिया होएगा, और इस तरह से ये अरब सागर भारत के पास में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है ईरान है। अब बात करते हैं पर्वतों की, तो यहाँ पे जो पर्वत है वो है एल्ब्रुज, यहाँ पे हिंदूकश है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पे है। इसके बाद में यहाँ पे जगरोस है जो ईरान में है, जगरोस पर्वत। इस जगरोस पर्वत से एक नदी भी निकलती है कारून, तो ये आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है वो कारून नदी है। तो आपसे पूछे कि कारून नदी कहाँ से निकलती है, तो ये ईरान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। एक आधी ईरान में नदियाँ हैं, तो ये एक नदी है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जगरोस पर्वत से निकलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इराक की। इराक में जो दो नदियाँ हैं सबसे महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ये नदियाँ हैं जो है दजला और फरात। दजला फरात का नाम आपने सुना भी होगा। इनको जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो है टिग्रिस और यूफ्रेटस। ये है टिग्रिस, ये यूफ्रेटस, इन्हीं को दजला और फरात के नाम से जाना जाता है। जो यूफ्रेटस है इसको कहा जाता है दजला, और जो टिग्रिस है उसको कहा जाता है फरात। तो ये दो नदियाँ, इन दोनों नदियों के बीच में जो मैंने ये ग्रीन ग्रीन एरिया बना रखा है, इसको ये दोनों नदियों द्वारा बनाया गया मैदान है, जिसको इराक का मैदान या कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे है दोस्तों टर्की, सॉरी जॉर्डन। तो ये जॉर्डन, यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, इससे नदी निकलती है जो यूफ्रेटस निकलती है, और दोनों नदियाँ जाके फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। इसके बाद में सऊदी अरब, यहाँ पे एक मुख्य जो मरुस्थल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो है रब उल खाली मरुस्थल, रब उल खाली मरुस्थल। इसी तरह से जो ईरान है, ईरान में भी दो मरुस्थल हैं, दस्ते कबीर और दस्ते प्लुत, ये दोनों मरुस्थल इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। अब ये तो था मैप का काम, इसके बाद में जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं और वो सब हम डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ते हैं। तो ये हैं जो प्रमुख पर्वत हैं, एल्ब्रुज, खुरासान, अरारात, जगरोस और आसीर पर्वत। ये प्रमुख पर्वत हैं जो इन खाड़ी देशों में। तो कौन सा कहाँ है इसकी चर्चा करते हैं। एल्ब्रुज पर्वत है जो ईरान में स्थित है, खुरासान पर्वत है जो भी ईरान में स्थित है, इसके बाद में है अरारात, जो अरारात है वो टर्की में है, और जो ये टर्की का सबसे ऊंचा पर्वतीय एरिया है। इसी के पास में एक आर्मेनिया की गांठ है, अनातोलिया पठार है, जिसको आर्मेनिया की गांठ कहते हैं। यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसको टर्की का साइबेरिया भी कहते हैं। इसके बाद में जगरोस, जो जगरोस पर्वत है वो इराक में है, और आसीर भी टर्की में है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं नदियों के बारे में। तो नदियाँ कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। कारून नदी, आपने मैप में कारून नदी देख भी ली है,
तो कारू नदी इराक के प्रमुख नदी है जो फारस की खाड़ी में गिरती है। इसके बाद में है दजला, इसी को टिग्रिस भी कहते हैं, इराक के प्रमुख नदी है, फारस की खाड़ी में गिरती है और इराक की जो राजधानी है बगदाद वो इसी नदी के किनारे। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो इराक की राजधानी है बगदाद वो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद में है फरात, इसी को यूफ्रेटस भी कहते हैं, ये तुर्की की पहाड़ियों से निकलती है, उसके बाद में सीरिया में बहती है, इराक में बहती है और फिर फारस की खाड़ी में गिरती है। इराक का शहर है बसरा, बसरा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है और बसरा के बारे में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। इसके बाद में जो अगली है जॉर्डन, जॉर्डन ये इजराइल की मुख्य नदी है जो जॉर्डन में बहती है, उसके बाद में जो मृत सागर है वहाँ पर जाके ये गिर जाती है। अब हम देखते हैं प्रमुख जलसंधियाँ। तो प्रमुख जलसंधियाँ जो है वो इस एरिया में है, एक तो हारमूज जलसंधि, जो हारमूज जलसंधि है वो फारस की खाड़ी को जोड़ती है ओमान की खाड़ी से, और दूसरी है बाब अल मंदेव जलसंधि, जो बाब अल मंदेव जलसंधि है वो जोड़ती है लाल सागर को अदन की खाड़ी से मिलाने वाली जलसंधि है। यमन जो आपने भी मैप में देखा था, यमन इसी के तट पर है। अब है प्रमुख मरुस्थल, तो सबसे पहले मरुस्थल पढ़ रहे हैं हम हेलमंद रेगिस्तान। हेलमंद रेगिस्तान जो है ये अफगानिस्तान के दक्षिण में स्थित है, जो अफगानिस्तान में फैला हुआ है। इसके बाद में आती है नफूद की मरुभूमि, तो जो नफूद की मरुभूमि है सऊदी अरब में स्थित है ये, और इसके रेत का जो रंग है ना वो लाल है। इसके बाद में है हमारे पास में रब उल खाली, जो रब उल खाली है वो भी सऊदी अरब में स्थित है।